आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चेन्नई देहरादून मदुरई एक्सप्रेस में हुई डकैती का खुलासा करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि देर रात नागल सहारनपुर स्टेशन के होम सिग्नल के पास पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी नितिन उर्फ गुल्लर सहित उसके 4 साथी जय नारायण, करण, विभाग, सन्नी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से काफ़ी संख्या में अवैध असला, एक कार व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसएसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी नितिन, जो कि गोली लगने से घायल हो गया था, उसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले जो चेन्नई देहरादून एक्सप्रेस में रात के वक्त डकैती हुई हुआ था, S2, S3 वगैरह के डिब्बे में जो दक्षिण भारत की ओर से जो यात्री आ रहे थे उनके साथ जो लूटपाट, जिनके चेन स्टैंड चेन वगैरह जो सोने के पहने हुए थे जेवर, उनके इनको लूटा गया था और कुछ पैसे भी लूटे गए थे और एक LCD TV भी गया था। 6 PM लगभग 11:30 के बाद इनको एक सूचना मिली है कि वहाँ पे पुनः जो दक्षिण भारत की ओर से जो ट्रेन आ रही है उन पर डकैती डालने का योजना रहे थे। इनके पास असला भी है और ये बहुत ही खतरनाक लूटे थे। इस तरह की सूचना था, गिरफ्तारी की प्रयास है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर GRP गया था और बदमाशों के द्वारा फायरिंग फोन किया गया। इसके बाद तुरंत जो अन्य पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए थे, जो SOG टीम थे, जो सर्वलांस टीम, इसके अतिरिक्त थाना नांगल के जो पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गए, फिर जवाबी फायरिंग किया गया जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। उनका नाम है गुल्लर उर्फ नितिन, सुरक्षित हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। बाद में पता चला इसके ऊपर 25,000 की इनाम भी है। गाजियाबाद से, मुरादाबाद से भी इनाम है इनके। और ये शातिर बावरिया ग्रैंड निकला है। ये चौकी अरमुनगढ़ थाना जिंजाना जनपद शामली के रहने वाले हैं। ये बहुत ही एक बड़ा संगठित गिरोह बना के रखा हुआ है। ये जनरली चाकू से डकैती डालते हैं, इनके पास असला भी होता है, चाकू से भी। थाना सरसावा पुलिस व अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम द्वारा बंगाली क्लिनिक के डॉक्टर दिनेश राय से व ग्राम अगवान हेडी सड़क पुख्ता पर हुई लूट का घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरे नदीम पुत्र मोइनुद्दीन, इकबाल पुत्र मंगता, मोहम्मद बुरा पुत्र मोहम्मद इकराम को 40,000 रुपये नकद व 3 अवैध तमंचे, 9 जिंदा कारतूस व 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में SSP दिनेश कुमार ने किया। थाना सरसावा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों एक नकुट रोड पे जो बंगाली डॉक्टर, उनके जो क्लिनिक से लगभग 13,000-13,500 के कैश लूटने के प्रयास कर रहे थे 3 बदमाश, और उससे पूर्व में भी एक बंधन बैंक के कर्मचारी से लगभग 80,000 के ऊपर की कैश 3 लड़कों के द्वारा छीने गए। इन संबंधित घटनाओं में हम लोगों ने थाना सरसावा में मुकदमा लिख के एक स्पेशल टीम गठित किया गया था, जिसमें स्मार्टर सर्वलांस टीम भी थे और SO सरसावा की टीम भी थी। दोनों टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन दोनों घटना में जो संबंधित जो गठित घटनाओं के जो इन्वॉल्व क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है,
इसमें दो लोग प्रकाश में हैं, भगवानपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं और एक सरसावा के रहने वाले हैं। एक इकबाल नाम के व्यक्ति जो सरसावा के रहने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेंट था, लोकल जो कैश मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। और बाकी तीन लोग थे, एक नदीम और भूरा और एक कौशल थे। ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले और ये करने के लिए बाहर से बुलाते थे। इनके पास एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा की भी है और डिस्कवर की भी। पूछताछ के दौरान ये पता चला इन लोगों ने ही ये घटना खारिज की है। संबंधित कैश लगभग 40,000 बरामद हुआ है। इनसे अवैध तमंचा और कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। तमाम CBSE बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम की आज दोपहर घोषणा की गई, जिसको देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं पाइनवुड स्कूल की खुशी नैब ने 98.4% मार्क हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस दौरान खुशी के परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। मैं हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल की ओर से समस्त मुस्लिम भाइयों को रमजान माह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। सहारनपुर न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।